मैंने सर बोला, मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो, जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड, आज तक सस्पेंड नहीं। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक, हम लोगों की सेवा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।